हेलो गाइस, और क्या हाल चाल है सबके। तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो इंटरसेप्टर चलाते हैं, उन लोग के लिए एक बहुत बढ़िया अपडेट इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। जो भी लोग परेशान हैं अपने फ्रंट फुटपैक से और उनको लगता है कि फ्रंट फुटपैक्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए जैसे कॉन्टिनेंटल जीटी में होती है, या फिर थोड़ी सी आगे होनी चाहिए जो करंट पोजीशन है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, या फिर उनको उसके साथ प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है और आपको कहाँ से वो चीज परचेज करनी है, क्या वो मॉडिफिकेशन है जो आपको करनी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा फ्रंट फुटपैक्स को शिफ्ट करने में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ये है फ्रंट फुटपैक शिफ्टर फॉर रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650। मैंने रियर फुटपैक शिफ्टर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और मैंने इनसे ही परचेज किए थे, तो इन फोटोज से आप देख पा रहे होंगे कि इंटरसेप्टर के फुटपैक्स थोड़े से आगे की तरफ और थोड़े से बाहर की तरफ शिफ्ट किए गए हैं ताकि आप एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन अचीव कर सकें। कूडोस टू मिस्टर पुंकेश हंसोरा, जिन्होंने इस बढ़िया प्रोडक्ट के ऊपर R&D की है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो देख लिया जी आपने प्रोडक्ट कैसा है। आप फटाफट इसको ट्राई आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसमें कॉल कीजिए। मिस्टर पुंकेश हंसोरा उनका नाम है, वो आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे और सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या क्या उनको डिटेल्स चाहिए डिलीवरी के लिए। और अपने इंटरसेप्टर पे लगवाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कैसा काम कर रहा है, अच्छा मॉड है या नहीं है, आपकी कितनी हेल्प हुई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज धवन ब्रीथिंग साइनिंग आउट। DR मोटोवर्स।